हेलो उमरा, मैं हूँ आपका अपना नासिर शेख, डायरेक्टर ऑफ क्वांटम एकेडमी। मैं आज आप सभी को ये बताने आया हूँ कि क्वांटम एकेडमी एक डेडिकेटेड इंस्टीट्यूट है फॉर CBSE एंड ICSE। पिछले 5 सालों में हमने कई एक्सेप्शनल रिजल्ट्स दिए हैं इन CBSE एंड ICSE। अगर आप भी CBSE और ICSE बोर्ड में हैं और अपने ग्रेड्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आज ही हमें ज्वाइन कीजिए। उल्लासनगर में युवक पर जानलेवा हमला, पुलिस ने किया दर्ज मामला, मगर दोनों हमलावर युवक हुए फरार। रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। गत 7 मार्च को उल्लासनगर कैंप 5 के गायकवाड़वाड़ा परिसर में दिनेश जावरे नामक एक युवक पर दो अन्य युवकों ने धारदार हथियारों से हमला कर उसकी जान लेने का प्रयास किया है। धनेश मड़वी और ज्ञानेश्वर मड़वी, ऐसा इन दोनों युवकों का नाम है। इनमें कुछ पहले पुराना विवाद था और उसी विवाद के कई सालों बाद दिनेश पर यह जानलेवा हमला किया गया। इस हमले को लेकर के शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता की धारा 326, 341, 504 और 34 समेत आदि अन्य धाराओं के साथ जो है मामला दर्ज किया गया है। मगर मामला दर्ज होने के बाद 3 दिन होने पर भी अब तक ये दोनों हमलावर युवक फरार बताए जा रहे, पुलिस की पकड़ में नहीं आए हैं। इस संबंध में पीड़ित दिनेश जावरे ने क्या जानकारी दी है, सुनिए। वहीं हत्या के मामले की जांच के लिए पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है कि हमलावर कौन है जिनकी शिनाख्त हो सके। हत्या का कारण स्पष्ट नहीं है, लेकिन पुरानी रंजिश या आपराधिक दुनिया का एक दूसरे का टकराव जो है इसके पीछे का कारण हो सकता है, ऐसा कहा जा रहा है। आपका नाम क्या है और क्या हुआ है आपके साथ में, कहां पर हुआ है? मेरा नाम दिनेश जावरे है, मैं रहता हूँ उल्लासनगर 5 सेक्शन 36 पैकरपाड़ा क्रमांक 2 में। तो मैं रास्ते से जा रहा था, मेरा दोस्त था साथ में। रास्ते में जाते जाते तो मैं गया था टी शर्ट लेके, जैसा मतलब मिला तो नहीं टी शर्ट, मैं नीचे आया, प्रधान सेठ का ऑफिस है, मैं उधर से आया ऑफिस के, इधर से गाड़ी उधर ही रुका है। मैं जॉब करता हूँ, प्रधान सेठ के इधर जॉब करता हूँ, तो मैं गाड़ी उधर रुका है दोस्त के लिए, हम दोनों साथ में थे। उसका घर बाजू में ही है, उसको उतारा तो मैं गाड़ी में जैसा किक मारा ना गाड़ी में, दो बंदे आए, एक धनेश मड़वी करके और एक नैनू मड़वी करके। ये इसमें एक लड़का है धनेश मड़वी, ये धनेश मड़वी ने डायरेक्ट मेरे पास आता है, बोलते तो इधर की बात उधर करता है ऐसे वैसे। और वो एक ज्ञानेश्वर है, वो भी आता है, वो बोलता है इधर का बात उधर करता है। तो सामने वाला डायरेक्ट मेरे को राइड किया, उसमें दो लड़के, एक धनेश मड़वी और एक नैनू। ऐसे नैनू ने मतलब एक मारा मेरे को, मतलब उसने भी थोड़ा ये किया, और वो लड़का मेरे को मार रहा ही था बिना मतलब, अरे सामान वीमान निकाला, मेरे ऊपर चालू कर दिया दोनों ने मारना। ऐसे तो कहाँ पर लगाया आपको, कितना टाका लगाया उधर? मुझे सर देखो, अभी मुझे मेरे उंगली पे भी लगा है और मुझे सीने पे ज़्यादा बड़ा वार है, 8 टाके लगे हैं। ऐसे इस बारे में शिकायत वगैरह की आपने पुलिस स्टेशन? इस बात में शिकायत की है, पुलिस ने भी अभी सहयोग किया है, पुलिस गए थे उनके घर पे, मैं शिवाजी नगर में कंप्लेंट दिया है, वो लोग ने भी सहयोग किया, 2 बार उनके घर पे गाड़ी गया है पुलिस वाले का। क्या कारण क्या था हमला करने का उनका? कारण कुछ भी नहीं, अभी मैं 5 साल के पास प्रधान पाटिल नगर सेवक है प्रार्जन शक्ति पक्ष, तो उनके पास वो जॉब पे गाड़ी चलाते, तो वो लड़के भी उधर ही थे, एक धनेश मड़वी करके है ना, वो लड़का उधर ही रहता था। तो वो मेरा दोस्त ही था, मतलब अचानक मैं उसका मतलब ऑफिस में कुछ तो हो गया, उसका आना जाना बंद हो गया, तो मतलब मेरा कैसा अच्छा कपड़ा पहनना सब, उसका अभी जलन हुआ तकलीफ हुआ वो नहीं पता, तो उसने मेरे को 4-5 साल के बाद अभी पॉइंट में पकड़ा। मेरा तो उससे कुछ है ही नहीं, बैनर पे फोटो साथ में बैठे। तो अभी पुलिस से क्या मांग करते? पुलिस से मैं एक ही मांग करूँगा, जल्दी से जल्दी ये धनेश मड़वी को ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे 326 का केस लगाया, 307 का केस चाहिए, क्योंकि इसने मेरे भाई को एक हफ्ते पहले इसने धमकी दिया है कि तेरे भाई को समझा, किधर भी मिलेगा तेरा भाई, तेरे भाई को मारेगा, मैं छोड़ेगा नहीं।